चुनाव का शंखनाद हो गया है और उत्तर प्रदेश के जहां तक चुनाव हैं वो 7 चरणों में और 10 फरवरी से आरंभ होंगे। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च, ये 7 चरण होंगे। और पहला चरण जो है वो आरंभ हो रहा है मुजफ्फरनगर, शामली और ये जो क्षेत्र है यहाँ से, और सहारनपुर जो है वो दूसरे चरण में आएगा जब सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर इत्यादि आएंगे उसमें। आइए, हमारे साथ हैं इस समय ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ने वाले हैं। आइए, इस शंखनाद के बाद क्या स्थिति बन रही है इसके बारे में चर्चा करते हैं हमारे इस सुविज्ञ पैनल से। हमें आप डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए तुरंत। और चूंकि जो चुनाव है वो ऐसे क्षेत्र से आरंभ होने वाला है जहां मुस्लिम अच्छी तादाद में है, तो उनके लिए एक जानकारी मैं दे दूं कि अभी अभी मौलाना साजिद रशीदी ने शुक्रवार को फतवा दे दिया है कि जो सारी जो हूरे हैं वो आदमियों को जो भी जो जाएंगे जन्नत के लिए, जो 72 हूरों के लिए कोशिशें करते रहते हैं, इनको ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगी और उनकी जो बीवियां हैं वो उन पर चौकीदारी करेंगी और वो ही तय करेंगी कि कब किसको क्या सप्लाई करना है। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, मैंने अभी 5 बजे एक वीडियो किया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और एक पूरा एक नया चैप्टर खुल गया है, सारे के सारे मुजाहिदीन जो हैं वो परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिषेक जी, आपके पास बाद में आता हूँ, पहले ओंकार जी से चर्चा करता हूँ कि उनका ही क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं। तो जो पहला चरण है ओंकार जी, तो पहले चरण में 11 जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिसमें मैं बता दूं जो इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है वो है मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाज़ियाबाद, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। और इनके 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं उनमें ये चुनाव होने जा रहा है और इन 58 में से पिछली बार 40 के आसपास जीती थी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने। तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे, कुछ आंकड़े ओंकार जी, आपको क्या दिख रहा है? आंकड़ों की बात करें तो इन 58 सीटों की तो नहीं, पर 94 सीटों की मैं एक टैली लेकर के बैठा हुआ था जी, और इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मतलब दो चरणों में तो शायद ये सारे आ जाएंगे। दो चरणों में 113 हैं, 113 इसलिए हैं क्योंकि आपने जो बताए उसमें बरेली और शाहजहानपुर और बदायूं, एक तीन जिले और होंगे शायद, ये होंगे संभवतः, संभल भी आपके इसमें शामिल नहीं है। हाँ, रामपुर मुरादाबाद है। हाँ हाँ, तो मेरे पास जो ये 94 का, मैं अभी पिछले हफ्ते एक्चुअल में अपने प्रोग्राम के लिए तैयार कर रहा था, 94 में से संजय जी 73 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 15 समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी, केवल 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत पाई थी, 2 सीटें कांग्रेस के पल्ले में आई थी और 1 सीट छपरौली की आरएलडी ने जीती थी। और हालत ये है
कि बीजेपी 15 सीटों पर सेकंड रही थी, समाजवादी पार्टी 26 पर, बसपा 36 पर, कांग्रेस कुल 11 पर, आरएलडी कुल 4 पर, जो इनकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो सिर्फ 1 पर और इंडिपेंडेंट 1 पर। तो ये जो सिचुएशन थी 2017 की, जो अभी अभिषेक कह रहे थे कि एक समय लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत डेंट लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इधर, और शायद पिछले प्रोग्राम में मैंने संजय जी इस बात का जिक्र किया था कि शिफ्ट तो है थोड़ा सा, खास तौर से जो जाट किसान है उनकी एक सिंपैथी है जयंत चौधरी को लेकर के, और वो इसलिए भी मुझे लगती है कि एक तो अजीत सिंह नहीं रहे, हालांकि जब वो थे तो लगातार 2 चुनाव लोकसभा के हारे और 1 विधानसभा का ठीक ठाक तरीके से हारे 2017 का। 2017 में केवल 1 कैंडिडेट जीता था उनका, और जैसा मैंने कहा है कि केवल 4 क्षेत्रों में वो नंबर 2 पर थी, वरना 3 और 4 नंबर पर वो आपको कहीं मिलेगी जब आप डिटेल डाटा देखेंगे और टैली देखेंगे। इस बार इसलिए आरएलडी को थोड़ा सा सहानुभूति है कि किसान आंदोलन की वजह से और तमाम तरह के दुष्प्रचार की वजह से, और उसके बाद जो मौका मिला था जयंत चौधरी को, तो उन्होंने जिलों जिलों में जाकर के पंचायतें करनी शुरू कर दी थी, मतलब मौके का फायदा उन्होंने उठा करके चौका मारने की कोशिश की थी। उसका थोड़ा सा फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ कुछ पॉकेट में, कुछ कुछ सीटों पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कोई बहुत बड़ी मदद जयंत चौधरी की कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए हैं, इन जिलों में आए हैं, वो 2013 की कवाल की घटना को याद दिलाना नहीं भूले लोगों को, और वो एक दुखती रग है यहाँ के जाट किसानों की, उनके परिवारों की। कई 100 बच्चों का भविष्य खराब किया था उस घटना ने। कुछ बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, कुछ इंटरव्यूज देने की तैयारी कर रहे थे, उनको जेलों में ठूंसा गया था, और उस समय अखिलेश यादव की ही सरकार थी। तो ये चीजें आसानी से भूली नहीं जाती हैं, और 2013 कोई ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दशक पहले की बात है, अभी 7 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है, और 2017 में उसका रिएक्शन देखने को मिला था। इस बार भी कोई आमूल चूल परिवर्तन हुआ हो लोगों के माइंड सेट में, ऐसा लगता नहीं है, पर जैसा मैंने कहा है कि कुछ कुछ पॉकेट में जयंत चौधरी को वोट मिलेंगे, और वहां अगर मुसलमान वोट भी उसमें इंक्लूड हो गए तो हो सकता है 4, 5 या 6 सीटें आरएलडी को और कहीं 1-2 सीट समाजवादी पार्टी को मिल जाए, पर मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों का गठबंधन 2 डिजिट में भी पहुंच पाएगा। ये सिचुएशन अभी मुझे लग रही है वेस्ट यूपी में। जी हाँ, मैं देख रहा था आपने जो बताया, जो 3 स्थान जहां पर आप कह रहे हैं कि जहां पर वो दूसरे स्थान पर रही है आरएलडी, उसमें से 1 तो बड़ौत है जो कि आपके शामली में ही है, और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं माट और बलदेव, वो दोनों मथुरा ज़िले की हैं, और इसमें से इनकी जो मार्जिन हारने की रही है वो रही है 26,000-13,000, और माट में ये बीएसपी से हारे थे, श्याम सुंदर शर्मा जी से योगेश चौधरी हारे थे, वहाँ 432 का
अंतर था। अब श्याम सुंदर शर्मा जी जो हैं वो तो किसी भी पार्टी से लड़ते हैं तो जीतते हैं, आप जानते ही हैं उनके, वो मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस से भी लड़के जीत चुके हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़के जीत चुके हैं, बीएसपी से भी जीत चुके हैं, वो तो सबसे जीतते रहते हैं। इस बार पता नहीं किस पार्टी से लड़ेंगे, ये भी नहीं पता है, हो सकता है समाजवादी से लड़ जाएँ या वो बीजेपी टिकट दे दे तो बीजेपी से भी लड़ सकते हैं, उनका तो कोई निश्चित है नहीं। मैं अब इससे पहले कि हम अभिषेक जी से उनकी जो सर्वे है उसके बारे में पूछें, चलते हैं हम थोड़ा धीरेन जी के पास में। धीरेन जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपके क्षेत्र के आसपास हैं, जो स्विंग कंस्टिट्यूएंसी कहला सकती हैं, और उनमें से एक मुझे कैराना और दूसरी मुझे थाना भवन ये लगती है। तो ये आपके सारे की सारे ये दोनों जो हैं ये पहले चरण में ही आ रही हैं, और दोनों जो हैं वो शामली ज़िले में हैं। तो उसके बाद जो है फिर वो आपके बागपत ज़िले की जो सीटें हैं ख़ास तौर से आपके बड़ौत और छपरौली, जहाँ पर आरएलडी पहले और दूसरे नंबर पर रही थी, तो आप इन स्विंग सीटों में क्या देखते हैं, कोई परिवर्तन है? नाहिद हसन कैराना सीट बाई इलेक्शन में जीते, फिर 2017 की केसरिया वेव में भी जीते, हुकुम सिंह हमेशा यहाँ जीतते रहे, कि क्या कारण था कि हुकुम सिंह की मृत्यु के बाद में ये सीट बीजेपी के हाथ से चली गई? देखिए, ये सीट पहले भी चेंज होती रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हुकुम सिंह लगातार तीन बार भी हारे यहाँ, 89, 91 और फिर 93 में या 6 में जो है उस चुनाव में भी वो हारे थे वहाँ, क्योंकि पहले राजेश्वर बंसल ने हराया दो बार, फिर मनोवर हसन ने हराया, हालांकि उनकी हार जीत का अंतर 1300 से और 3500 तक पहुंचा था, उसके बाद उन्होंने बंपर जीत हासिल की, उससे पहले 75 से वो जीत रहे थे। दरअसल उस सीट को देखना, मुझे लगता है यूपी की, इस वेस्टर्न यूपी की राजनीति को काफी करीब से देखना और समझना हो सकता है, क्योंकि जब से वो राजनीति में शुरू हुई थी तो वहां पहले जाट गुजर राजनीति वहां बहुत ज्यादा होती थी, यानी जो गुजर समुदाय है उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों गुजर एक साथ वोट करते थे, जाट और जो मुस्लिम जाट और हिंदू जाट एक साथ वोट किया करते थे। फिर हालत ये हुई कि वो जो है जब कभी देखते थे कि हुकुम सिंह है तो उनको मुस्लिम जाट भी देता था और वो हिंदू गुजर भी देता था और मुस्लिम गुजर भी देता था। फिर वो एक परिवार में जब मनोवर हसन जो उन्हीं के परिवार का एक परिवार, दोनों का एक ही परिवार माना जाता था, उनके अंदर फिर डिवीजन मतलब वो हुआ, और उसमें फिर मनोवर हसन बहुत लंबे समय तक बहुत ताकतवर रहता, क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदू राजनीति की एक तरह से नींव पड़नी शुरू हो गई थी उसके बाद की राजनीति में। फिर वहां ये जाट मतलब हुकुम सिंह इतने टावरिंग इमेज हो गई थी कि उनको हराने के लिए जाट कई बार बहुत एक तरफा वोट किया करता था, कई बार वो किसी के साथ मिलकर भी वोट किया करता था, वो था। हालांकि उनकी बेटी उस इमेज को बरकरार नहीं रख पाई और वो मृगांका चुनाव हारी है। मुझे लगता है कि वो कैराना का जो सीट है उसमें कल्ट भी बहुत बड़ी है और एक ताकत भी जो है हुकुम सिंह जी के सामने गुंडई का या जो उस तरह का जो एक ताकत दिखाने की कोशिश रहती थी मनोवर हसन की, वो कमजोर पड़ती थी। उनकी बेटी को शायद, चूंकि हम लोग जिस सोसाइटी को वहां देखते हैं उसमें वो ताकत देते हुए नहीं दिखा, इसीलिए इस बार देखना होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है, और इस पर भी लड़ाई काफी निर्भर करेगी। नाहिद हसन जो है मनोवर हसन के बेटे के तौर पर, चूंकि उनकी माँ भी लोकसभा चुनाव जीती थी, तबस्सुम जो है, तो मुझे लगता है कि इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का टिकट किसको आता है, तब हम इस सीट का सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पीएससी की बटालियन का वहां वो बनाया जा रहा है, पीएससी की बटालियन स्थापित की जा रही है, योगी खुद वहां गए और उनके भाषण में कैराना हमेशा रहता है, इसलिए कैराना एक ऐसी सीट होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन वहां बीजेपी की कैंडिडेटशिप, अभी भी मैं कह रहा हूं
कि हमको ये देखना होगा कि आखिर किसको वहां टिकट दिया जाता है, क्योंकि आरएलडी के और उसके जो समाजवादी पार्टी का जो एक वो है, जो एक गठबंधन है, उसके हिसाब से काफी मजबूत मुस्लिम और जाट समीकरण वो अमूमन भी रहता है, ये नहीं भी होता तो भी वो बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए ये समीकरण वहां नैसर्गिक तौर पर बनता। लेकिन अब ये देखना है कि किसको वो टिकट दिया जाएगा उसके बाद है। थाना भवन में थोड़ा स्थिति मुझे लगता है कि बीजेपी की इस बार फिर वो, क्योंकि पिछली बार भी जो जीता था वहां से जो मंत्री भी है सुरेश राणा, वो काफी वोटों के बीच में डिवीजन कराने में भी भाषा और वो सब चीजें जो बहुत ही तेज तर्रार नेता और ये माना जाता है जो गर्म दल एक तरह से बीजेपी का है उसके वो वहां से उसको प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये पूरे उसमें अगर आप 9 सीटों में से देखेंगे एकमात्र राजपूत सीट के तौर पर दिखाई देती है, चूंकि मुजफ्फरनगर और शामली अभी तक एक ही जिला था, अभी शामली में सिर्फ 3 सीटें, उनमें से दूसरी सीट पर ये है। वहां काफी सिचुएशन टफ होगी क्योंकि आरएलडी वहां से जिसको टिकट में कैंडिडेट में ला रही है वो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे रही है, उनका टिकट अनाउंस एक तरह से अनाउंस है, आज वो फाइनल हो रहा है, वो बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है ये दोनों सीटें जिन पर काफी कैंडिडेट को काफी हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी तक जो चीजें फैसला होना था वो हो चुका है, और इस फैसले को अगर हम गौर भी करते हैं तो इस फैसले में जो बहुत ज्यादा हिस्सा होगा, जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा, वो कैंडिडेट की स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन वोटों का जो समीकरण बनना था वो बन चुका है। अब जो थोड़ा बहुत वोटों का अंतर होगा वो सीटों पर जो अनाउंसमेंट होंगे उससे वैसे होगा। यहाँ पर आरएलडी ने पिछली बार भी मुस्लिम को टिकट दिया था और वो तीसरे नंबर पर रही थी, और दूसरे नंबर पर बीएसपी का जो मुस्लिम कैंडिडेट था वो रहा था, और ये 26,000 वोट से 16,000 वोट से चुनाव जीते थे सुरेश राणा। जी जी। और सुरेश राणा 2012 में समाजवादी की वेव में भी चुनाव जीते थे। हाँ, इससे पहले वो हारे भी थे लगातार 2-3 बार। इसीलिए वो मतलब वो वेव के ही लीडरशिप है, मतलब वो सिचुएशंस मैंने फिर कहा, क्योंकि डिवीजन बहुत जरूरी वहां होता है, शार्प दोनों में होता ही है वो। और लेकिन राव जो है काफी ताकतवर कैंडिडेट के तौर पर ऑलरेडी अलग लड़ी थी उस पूरे चुनाव में, इसीलिए वो अलग खड़ी दिख रही थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो काफी टफ सीट मानी जा रही है आज के लिहाज से। अगर हम देखें जो इन 9 सीटों को अगर मैं गौर करता हूँ तो मीरापुर हुई, ये सीट हुई, बुढ़ाना सीट हुई, ये तमाम सीटें ऐसी हैं। कैराना चूंकि उनके पास पहले से थी, लेकिन कैराना में इस बार अगर कैंडिडेट वो बदलते हैं बीजेपी वाले तो भी देखना होगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं देख रहा था, चुनाव भी कवर कर रहा था, वो कैराना में था मैं उस दिन चुनाव में जिस दिन वोटिंग हो रही थी, तो देख रहा था कि उस तरह से जो उनके जब बाबू हुकुम सिंह चुनाव लड़ते थे तो जिस तरह की उनकी प्रेजेंस हर तरफ दिखाई देती थी, मतलब वो उस दिन घर से वो बाहर भी नहीं जाते थे, अमूमन वो घूमते भी नहीं थे, जनरली बैठे रहते थे अपने उसमें, और वहां से निकलकर उनकी जो बैठक हुआ करती थी, बैठक पर सब चीजों का फैसला हुआ करता था, उस तरह का उनकी बेटी का नहीं, क्योंकि उनको बेटी बहुत देर से वो चुनाव में लाए थे संजय जी, शुरू में उनका नहीं था, जिस तरह से कि हमने चौधरी चरण सिंह जी को देखा था कि वो वंशवाद का विरोध करते रहे और आखिर में फिर उनको अपने परिवार को ही लाना पड़ा, उसी तरह से पहले कोई उनको नहीं था कि वो अपनी बेटी को लाएंगे, वो उनको राजनीतिक वो देंगे, उनका भतीजा अनिल वो काफी दिन से उनके साथ और उनके साथ काफी मेहनत की थी, तो अनिल भी अलग लड़ा था उस चुनाव में, अगर आप गौर करेंगे अनिल भी अलग से लड़ा था, तो वो सब चीजें जो है इस बार देखनी होंगी कि क्या वो पार्टी की टिकट किसको देती है और फिर उस पर कितना फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है ये सीटें हमको देखनी होंगी जो अभी वेस्टर्न यूपी के पहले फेज में काफी कुछ तय करेंगी मुझे लगता है। जी हाँ, कैराना लोकसभा सीट में यदि आपको ध्यान है निश्चित रूप से कि वहाँ पर जब मृगांका सिंह को पहले बाई इलेक्शन में वो हार गई तबस्सुम से, और उसके बाद 2019 में टिकट बदला गया तो बीजेपी वापस जीत गई, तो इसका मतलब इसमें मृगांका सिंह जो है वो स्वयं में एक कमजोर कड़ी दिखती है। वही तो अब आप मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति देख रहे हैं इस समय? 6 सीटें मुजफ्फरनगर की हैं। मुजफ्फरनगर की सीटों को अगर आप गौर करेंगे तो वहां डिवीजन पूरी तरह से वोट जो है हिंदू मुस्लिम आधार पर होगा, और उसमें बीजेपी अमूमन
अपनी सीटों को जीत लिया करती है, मतलब उसमें सीटों पे आगे निकल जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लग रहा है अपने गठबंधन के सहारे, जैसे बुढ़ाना सीट जहां से टिकैत का गांव भी पड़ेगा, सिसोली भी आएगा जिसमें, उसमें लेकर कैंडिडेट को लेकर काफी, मतलब मुझे लगता है बीजेपी के ज्यादातर कैंडिडेट्स को लेकर काफी टफ स्थिति मैं कह सकता हूं कि है। इसके अलावा मीरापुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें इनका जो कैंडिडेट था वो भी वापस चला जाएगा, करतार सिंह भड़ाना जहां तक मुझे याद आता है वो भी निकल जाएगा, वो चला भी जाएगा, और उस पर भी वहां वो किसको सीट देंगे ये देखना होगा। चरथावल एक ऐसी सीट है जहां जाट राजपूत लगभग बराबर है, मुस्लिम से एक काफी बड़ी तादाद में, यानी 1,20,000 है, 3.5 लाख के वोट बैंक में, 3.25 लाख के उसमें, और उसमें जाट भी है 27,000-28,000 और इतने ही राजपूत कैंडिडेट्स हैं। लेकिन वहां से बीजेपी उनको टिकट देती है, कश्यप समाज का टिकट है वहां, उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है वो भी सीट चुकी, ये सब इलाके बहुत ही जो ताकत वाला, जो एक तरह डोमिनेंस, मैं उसको ये नहीं कहूंगा, मतलब कोई महिला, मेरा नारी विरोधी शब्द का कोई इस्तेमाल करने का वो नहीं है, लेकिन जो मेल डोमिनेंस है उस तरह की सोसाइटी है, उसकी प्रेजेंस वहां दिखाई देती है जब वो वोट बूथ पे आप एक एक वोट के लिए लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कैंडिडेट अगर वो बदलते हैं, जो बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता नहीं बीजेपी अभी बदलेगी, तो वहां से पंकज मलिक जो हरिंदर मलिक का लड़का है, हरिंदर मलिक काफी मतलब ठीक ठाक नाम है उसमें, और चौधरी चरण सिंह परिवार से, मतलब अजीत सिंह के खिलाफ भी लीडरशिप करके उसने अपने आप को सर्वाइव कर रखा, और इस बार भी वो समाजवादी पार्टी में गए, उससे पहले कांग्रेस में गए, तो यानी वो भी वहां ताकत रखते हैं। तो इसीलिए कुछ सीटें ये बीजेपी के टिकट पर ही तय होंगी, अगर आप सीट वाइज सीट देखते हैं तो। जी जी जी, अब हम चलते हैं अभिषेक जी के पास। आपका सर्वे क्या कह रहा है अभिषेक जी? पहले तो अलग-अलग किया है क्या आपने फेज वाइज? हाँ, मैं अभी एक्चुअली दो रैलियां हुई थी सर, एक आरएलडी और समाजवादी पार्टी की मेरठ में के पास ऑलरेडी हो चुकी है, और एक बीजेपी की रिसेंटली हुई थी। तो हमने अपनी टीम को मेरठ के आसपास लगाया, जहां से मेरे ख्याल से शहरी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के कोई रफीक अंसारी जी जीते हुए। पहली बार जब गए तो बड़ा लगा कि ये तो कहीं एक साइडेड मुकाबला सा फंस रहा है क्या, मतलब समाजवादी पार्टी फिर से जीत जाएगी। फिर दूसरी बार हमने किया तो कम मार्जिन दिखा, लेकिन मेरठ कैंट से सर भाजपा के अग्रवाल जी जीते हुए हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे कंफर्टेबली, अगर उन्हीं को मिलता है तो, मतलब वहां पे ऐसा लगा मेरठ में, मेरठ दक्षिण में अग्रवाल जी 76,000 के मार्जिन से जीते थे पिछली बार। हाँ, वही कंफर्टेबल मार्जिन से इस बार भी जीतेंगे। सत्येंद्र तोमर जी के भी वही हालात है, हमारी टीम इनके पास भी गई थी, संगीत सोम जी के पास, क्योंकि एक थोड़ा वो हार्ड हिंदुत्व के नेता है, 2-3 दिन में उनका वो एपिसोड भी आ जाएगा जो इंटरव्यू सेक्शन है। अब मेरठ में पिछली बार जब हम गए थे तो नाराजगी ज्यादा दिखी थी थोड़ी बहुत, इस बार वैसी दिखी नहीं, इसीलिए मैंने ओमकार सर को बोला कि सर पिछले जैसे हालात नहीं लग रहे जैसे 2 महीने पहले थे, कि मतलब ये मीडिया ने तो एक तरह से ये मान लिया था, अंग्रेजी मीडिया ने, कि भाई वहां पे नहीं बीजेपी शायद, अंग्रेजी मीडिया की तो बात ही ना करें क्योंकि अंग्रेजी मीडिया को कुछ पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन दर्शक तो सुनते हैं, चाहे किसी के भी दर्शक, दोनों को तो सुनते हैं, तो एक कंफ्यूजन का बनाने का प्रयास किया गया था। अच्छा, जितना बसपा को इस रीजन में मैं कमजोर समझ के गया था उतनी है नहीं, उनका वोटर बड़ा फिक्स है, और बड़ा फिक्स है, जैसे अभी सर ने भी बताया, धीरेन्द्र सर ने दो, और आपने भी, की दो जगह पे तो कुछ जगहों पे तो ऑलरेडी वो सेकंड पोजीशन पे थी, और इस बार भी अच्छी पोजीशन पे है। तो ये कहना कि मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देगा, मेरे ख्याल से मुसलमान इस वजह से बटा हुआ है अभी तक कि हम देखेंगे लास्ट पोजीशन में कौन सी पार्टी बीजेपी को हराने के कंडीशन में रहती है, फिर उस हिसाब से वोट डिसाइड करेंगे। ये तो पहले तो हमेशा ऐसा हुआ करता था, ओमकार जी आप क्या सोच रहे हैं? कि पहले तो ऐसे ही करते थे कि लास्ट तक देखते थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं समाजवादी क्लेम कर रही है कि नहीं, सारे के सारे हम ही को पड़ेंगे। नहीं, मेरठ में जो शहर सीट है, शहर सीट से लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत लंबे समय तक जीतते रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, और
वो कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रहे हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि विपक्षी दलों में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई इस बात को लेकर के कि मुस्लिम कैंडिडेट दो नहीं उतारने हैं मैदान में, इसलिए रफीक जो हैं वो अच्छे मार्जिन से वहां से जीत गए और मार्जिन था 28,769 वोटों का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी ठीक ठाक वोट पड़े थे, 74,448 वोट पड़े थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बार मेरठ में जो सीटें हैं उनमें एक तो सिवाल खास, जहां जयंत चौधरी का, उनके पिताजी का, चौधरी साहब का असर रहा है, दूसरा सरधना कॉन्स्टिट्यूंसी और थोड़ा सा किठोर से भी आरएलडी के परवेज हलीम बहुत लंबे समय तक जीतते रहे, विधायक बनते रहे, उनके पिताजी भी वहां से जीत चुके थे। तो ये जो सीटें हैं इन पर इस बार थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को टफ फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिवाल खास में पिछली बार भी 11,421 वोटों से जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी। और सरधना में जो संगीत सोम, जिनका जो अभी जिक्र कर रहे थे अभिषेक, वो 21,625 से जीते थे। तो ये लीड ठीक ठाक है, सम्मानजनक है, लेकिन अगर थोड़ा शिफ्ट दिखाई दिया जाट किसानों में तो ये लीड घट भी सकती है, नीचे भी आ सकती है। बाकी तो ये हस्तनापुर सुरक्षित है, अगर अब भी सुरक्षित है तो। किठोर का मैं बता ही चुका हूँ, मेरठ कैंट में तो भारतीय जनता पार्टी के हारने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, ये तो मतलब विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। अभी एक पार्टी में मुझे अमित अग्रवाल मिल गए थे जो यहाँ से MLA हुआ करते थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि तैयारी है क्या, तो कह रहे थे टिकट दिलवा दो मैं तो लड़ लूंगा। मतलब उसको पता है, उसको यकीन नहीं था कि उसको दोबारा टिकट मिलेगा, क्योंकि सत्य प्रकाश अग्रवाल, हालांकि उम्र दराज हैं सत्य प्रकाश अग्रवाल, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी और को टिकट के बारे में सोच रही होगी, क्योंकि जो एक एज का इनका क्राइटेरिया है उसमें सत्य प्रकाश अग्रवाल अब फिट नहीं बैठते हैं। तो ऐसे में अमित अग्रवाल को मिले या किसी और को मिले, लेकिन नया चेहरा वहां से देखने को मिल सकता है। मेरठ साउथ की जो सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने याकूब को हराया था और वो भी 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। और याकूब वो चेहरा है, वो बदनाम चेहरा है जो इधर भी उधर भी डोलते रहते हैं और ये कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। तो इसके बावजूद जो करिश्मा मुस्लिम वोट शहर सीट पर दिखा पाए थे वो मेरठ साउथ पर नहीं दिखा पाए थे, और यहाँ से सौमेंद्र तोमर जो है वो बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते थे। तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा उलटफेर होगा, पर दो तीन सीटों पर थोड़ा सा शिफ्ट हम देखेंगे जब वोटिंग होगा। जी हाँ, 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी मेरठ जिले में जी, और आपके जो स्थिति थी मुजफ्फरनगर में 6 की 6, शामली में 3 में से 2, और फिर अगर हम आ जाएं तो बागपत में भी 3 में से 2, इसको बड़ा चमत्कार माना जा रहा था। और वो जो एक नहीं आई थी वो भी बाद में वापस इन्हीं के पास आ गया, छपरौली वाला। हाँ, इनके पास ही आ गया। हापुड़ में भी 3 में से 2, वो एक वो आपके ढोलाना या जहाँ पर आपका हमारा वो डासना वाला मंदिर है, वो असलम चौधरी, वो BSP की तरफ से जीता हुआ है। फिर बाकी तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, इनमें तो एक तरफा था मामला। मथुरा में 1 BSP जीती थी, आगरा में भी एक तरफा था मामला पूरी तरह से। तो धीरेन जी, क्या आप देखते हैं कि ये ट्रेंड कायम रहेगी या इन जिलों में कुछ और शिफ्ट होगा?
दिख रहा है। हालांकि पार्टियां तमाम लोग जिस तरह से दावे कर रहे हैं, तमाम चीजें दिख भी रही हैं, भीड़ आपको दिख रही है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में चुनाव आज भी उन्हीं मुद्दों पर होना है जिन पर पिछली बार हुआ था। ये जरूर है कि जो किसान आंदोलन के सारे जाट मुस्लिम एकता जिसके सारे उनको लगता है कि उन्होंने आरएलडी ने इस पूरे इलाके में अपनी पकड़ पहले जमाने में बनाई थी, लेकिन आपको गौर करना होगा कि उसमें और भी समीकरण जुड़ता था और बाकी तमाम जो कास्ट थी वो इतने ज्यादा एग्रेसिवली विरोध नहीं करती थी। यानी जो दो इस पूरे इलाके में अगर आप गौर करेंगे वेस्टर्न यूपी में, तो दो इस इलाके की वोकल जो कास्ट होती है या रिलीजन भी हम कह दें, मुस्लिम भी काफी एग्रेसिव तरह से वोट करता है, उसी तरह से जाट भी काफी एग्रेसिव वोट करते हैं और वोकल भी काफी होते हैं। तो इसीलिए आप जब उसको एसेस करते हैं तो उसमें वो कई ज्यादा गुना वो बोलते हुए दिखते हैं और ये इम्प्रेशन दिखता है कि वो काफी आगे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर और उनको फील्ड में एसेस करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो इनकी संख्या मिल के होती है उसके मुकाबले वो ग्रुप काफी बड़ा है जो इनके अगेंस्ट वोट करता है। यानी इनके गठबंधन को हराने के लिए भी एक पोलराइजेशन होता है इस हिस्से में, तो वो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे लगता है कि वो काफी असर करेगा। कुछ सीटें जैसे सिवाल खास का जिक्र है, सिवाल खास उनको लगता है कि उनकी विनिंग सीट है, अभी भी उनको लगता है कि सिवाल खास उनको अच्छा लगेगी, या फिर जो मैंने आपको बताया कि उनको कैराना उनको लग रहा है कि वहां वो है, इस तरह से वो सीट जिस पर वो अलग तरीके से, मैं जब उन लोगों से बात करता हूँ पक्ष में लीडरों से इस समय जो है, उनको लगता है कि दलित वोटर अलग करने के बाद वो बाकी वोट्स को जोड़ के तब अपने आप को 50% से ऊपर जब रखते हैं तब वो कहते हैं कि हम उस सीट पर जीतने की स्थिति में होंगे। तो ऐसी सीटें बहुत कम हैं, लिहाजा मुझे लगता नहीं चुनाव होते होते वेस्टर्न यूपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पर मुद्दा आ जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आप गौर भी कर रहे होंगे इस समय तमाम चैनलों पर भी आपको दिख रहा होगा कि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इलाके में, कोरोना के दौरान जो अनाज की, जो राशन की, जो मतलब हमको लगता है कि अभी कुछ दिन पहले तक इस पर डिस्कशन करना शायद हम लोगों को वो लगता था कि एक बीजेपी का प्रचार ही होगा, चूंकि उन्होंने दिया है तो उसको प्रचार करेंगे, लेकिन जनता पर कितना असर होगा, लेकिन ये असर दिख रहा है। अगर आप गौर करते हैं तो ये असर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है जो अक्रॉस, मतलब इसमें वो लोग नहीं आते हैं जैसे अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी जाट फैमिली आएंगी या उस तरह की फैमिलीज होंगी, वो नहीं है, लेकिन वो वोटर्स जो छिटक के कभी बसपा के साथ होता था वो बीजेपी के साथ है। नो जाटव यहाँ काफी ज्यादा है, जो वो ये इस बात सही कह रहे थे तिवारी जी की उधर के हिस्से में उनको दिखता है, लेकिन वो वोटर्स के अलावा बाकी जो बीच बसपा का कार्डर है मुझे लगता है कि वो शिफ्ट कर सकता है, बीजेपी की तरफ जाएगा वो उस हिस्से में। काफी उसको लगता है कि वो सपा के साथ वो जेल नहीं करता है, अगर उनको कैंडिडेट उनकी पार्टी का सही नहीं मिला तो वो बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश करेगा बामुकाबले। हालांकि अभी तक हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा कि भले ही उस गांव में 200 वोट सिर्फ हों बसपा की, वो उसी को पढ़ते रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि एक शिफ्ट दिखेगा जो 2019 के चुनाव में दिखा और 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखा। तो मुझे लगता है वो ट्रेंड इस बार बढ़ेगा और चूंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से उनको लगता है कि वो काफी सीटों पर विनिंग की पोजीशन में, तो विनिंग की में नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो फाइटिंग में है, वो ग्राउंड में लड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके चलते फिर नए समीकरण भी बन जाते हैं क्योंकि वो दोनों जहां ज्यादा होंगे बाकी तमाम लोग इकट्ठा होकर हराने की भी कोशिश करेंगे। और जाट पूरा वोट शिफ्ट होगा इस पे अभी सभी लोगों को शक है, यहाँ तक कि उनके नीति निर्धारकों को भी शक है कि पूरा का पूरा वोट इस तरह शिफ्ट कर पाएंगे जैसे कि बसपा कराने में कामयाब होती है, तो वो भी एक बड़ा कारण होगा। तो लिहाजा आज की डेट में जब हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ सीटों को छोड़ दूं मैं, जिस तरह से पहले आपने छह की छह साफ कर दी थी मुजफ्फरनगर में, उधर तीन में से दो या फिर आगे की तरफ जो उस तरह का सफाया था, उस तरह का सफाया आप भले ही ना करें, लेकिन वेस्ट में आप फिर भी मतलब बीजेपी पार्टी मुझे लगता है उसमें काफी अच्छी पोजीशन पर रहेगी और बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ उसको नहीं झेलना पड़ेगा। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसी का एक जो नॉर्मल वो होता है वो उस तरह का, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वेव नहीं दिखेगी।
जी हाँ, 110 सीटें हैं इसमें, और 110 सीटों का हिसाब ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कि पहले और दूसरे चरण में जो सीटें हैं इनमें से शाहजहानपुर जो इन्होंने लिया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाता, तो उसको हम उसकी 6 सीटें अलग कर दें और हाथरस की 3 सीटें जोड़ लें, तो ये मिलाकर 110 सीटें होती हैं। इस 110 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 88 सीटें जीती थी। और अब हम सीधे चलते हैं हमारे सर्वे एक्सपर्ट अभिषेक तिवारी जी के पास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 110 सीटों पर आप अपने आंकड़े बताएं। पश्चिमी के 110 में से अभी भी हमने लगभग जो है 75 से 80 सीट बीजेपी के लिए रखी है। और एक चीज आंकड़े के पहले जाऊं, उससे पहले सर उसी के बारे में बात करना चाह रहा था जिसमें जो सिवाल खास के जितेंद्र सतवई जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं सर, अगर ये टिकट इस बार भी इनको मिल जाता है तो इनकी जीतने की संभावना उतनी ही है जितनी पिछली बार जीते थे। इन्होंने जो सर अभी बता रहे थे ना कि मैंने एक महीने पहले भी जब मैं शो में आया था तो मैंने कहा था कि जो स्कीम की डिलीवरी हुई है लोगों तक पहुंची है ना, वो बड़ा बहुत काम किया है। और ये काम इन्होंने करवाया है या फिर इनके ये कही कि जो इनके लड़के होंगे इनकी टीम के लोग होंगे, ये लोगों तक पहुंचवाने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो बसपा का एक चंक जो पहले बता रहे थे ना धीरेंद्र सर, वो टूटेगा और इसमें मुझे कोई हैरत नहीं है इस बात को लेकर के। और 75 से 80 सीट मैंने इसमें पश्चिमी यूपी में दिया और ये बड़ा अच्छा होगा बीजेपी के लिए भी, एक कॉन्फिडेंस जग जाएगा। लेकिन सर दो चीज है, चुनाव आयोग ने बोला है कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी और मेरे लिए थोड़ी वरी करने वाली बात है, इसलिए क्योंकि हमने देखा है हाल में कि जो डिजिटल मीडिया कैंपेनिंग है उसमें भाजपा उस हद तक अब जीत नहीं पा रही है जिस हद तक पहले हुआ करती थी। और ये बड़ी चीज होगी अगर योगी और मोदी जी की रैली नहीं हो पाएगी, तो वो हमें फैक्टर बाद में देखना पड़ेगा सर, क्योंकि बीजेपी आईटी से। मैं एक बात आपको कहूं कि डिजिटल मीडिया की जो कैंपेनिंग है उसमें बीजेपी का जो मुकाबला है वो कांग्रेस से है, तो समाजवादी और बसपा जो है वो डिजिटल कैंपेनिंग में बीजेपी के आगे कहीं नहीं ठहरती और कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है। मैं भी संजय जी से बिल्कुल सहमत हूँ, ये इसमें कोई संदेह नहीं है सर, लेकिन वो एक जो एंटी इनकम्बेंसी जनरेट करने वाली बात है क्योंकि बाइपोलर करने का एक तो प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस इस वक्त इस पोजिशन में नहीं है कि वो जीते, वो तो इस पोजिशन में है कि बीजेपी के सीट कम हो जाए उसमें खुश हो जाए। ना वो तो हमेशा यही करते हैं बंगाल में खुद। हाँ, वो किसी कंडीशन में नहीं है। पर आप ये देखो ना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यूज किया है और बेहतरीन यूज किया है, आप देखो ना मन की बात वो कहाँ देते हैं, रेडियो पर देते हैं और रेडियो सुन रहे हैं लोग, ये दिखा करके टेलीविजन वाले भी उसे प्रसारित करते हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ रेडियो होती है वहां भी पहुंच रही है। और आपका YouTube है, इनका चैनल, आपका ट्विटर है। तो वैसे YouTube पे तो बीजेपी बिल्कुल फेल है, फेसबुक है। मैं संजय सर को यही बोलने वाला था सर, YouTube पे तो ओमकार सर है ना, संजय सर है ना, धीरेंद्र सर है, अभिषेक है ना, बीजेपी का प्रेजेंस। मैं आईटी सेल की बात कर रहा था। देखिए सर, अभी रिसेंटली अगर आपने ट्विटर कैंपेन एक देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी पे हमला हुआ, और इस चीज को भी अगर हम ट्रेंड वाइज देखें और जो संख्या बल देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं लैग कर रही है बीजेपी, जो पहले नहीं हुआ करता था। मेरे पास कहने का यही पॉइंट था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना खराब परफॉर्मेंस होगा। वैसे अखिलेश यादव ने खुद कहा है चुनाव आयोग से पैसा मांग लिया है कि हम डिजिटल कैंपेनिंग तो कर ही नहीं सकते, हमें कुछ पैसे चाहिए। इसमें एक्चुअल में क्या है कि हमें अंतर करना पड़ेगा, जिस घटना का आप चर्चा कर रहे हैं ना, उस घटना में वो प्रोपेगेंडा वाले, आईटी सेल वाले, सपोर्टर, दूसरे तमाम वो सब जुटते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, आईटी सेल वाले भी हैं,
इनके भी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, इनके भी सपोर्टर हैं, लेकिन डिजिटल चुनाव प्रचार की जब बात करते हैं तो तब वो प्रोपेगेंडा वाले नहीं होंगे, तब तो भाषण होंगे, वहां पर अपनी बात रखी जाएगी, नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, जेपी नड्डा अपनी बात रखेंगे, योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे। अब उस पर जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी है जिनको वो करें, लेकिन कम्युनिकेट करने की जहां तक बात है तो कम्युनिकेट तो ये कर पाएंगे ना जिनको ये करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है जी। तो अब मैं एक बार मैं और बोलता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलिए। इस पे एक बात है सर, जैसे मैंने बोला कि ठीक है जयपुर डायलॉग से अभिषेक की बात, लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त, जैसे ओमकार सर की बात मैं सही मान रहा हूँ, लेकिन इस वक्त पूरा एक मीडिया का सेक्शन, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, पर आप रोनी सिंह को देख लीजिए, आप अजीत अंजुम को देख ली, ये लोग अपने लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी के लिए जमीन पे जाकर के बैटिंग कर रहे हैं, और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ। प्रज्ञा का पन्ना आता है, आप इन सब चीजों को देखिए। अच्छा संजय सर या ओमकार सर या मेरे पास जो है, हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे निर्भर होते हैं, पर यहाँ पेड ट्रैफिक जनरेट किए जा रहे हैं और बहुत साइंटिफिक ढंग से एक सीएमएस सिस्टम काम कर रहा है, जिसको मैं कई दिन से पिछले डेढ़ महीने से बड़ा क्लोज ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पहले बीजेपी आईटी सेल होती थी लैक नहीं करती थी, लेकिन इन दिनों लैक कर रही है। एक हालांकि अच्छा एक दो कुछ पेजेस हैं यूपी में जो अब फिलहाल अच्छा कर रहे हैं, तो फाइनली अच्छे स्पीकर तो हो सकते हैं मोदी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो पहुंचना तो है, पहुंचाना तो है आप ही को। मेरा बस यही पॉइंट था जी। किरण जी, नहीं है, सब पार्टियों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। जैसे बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर रैलियां नहीं होती हैं, फिजिकल नहीं होती हैं, तो उत्तराखंड में ही लग जाएगा। उत्तराखंड में पूरा चुनाव उनका सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था, क्योंकि वो तीन तीन मुख्यमंत्री दे चुकी बिना कारण के। एक पार्टी जो अपने राज्य में तीन मुख्यमंत्री दे चुकी हो, वो जनता के सामने आके क्या बताएगी? पहले मुख्यमंत्री का काम गिनाएगी, दूसरे गिनाएगी या तीसरे के काम कहेगी, फिर पहले दो का क्या करेगी? तो वो पूरा चुनाव वहां जो लड़ा जाना था, वो पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उनकी उस ताकत पर लड़ा जाना था। अभी उसमें एक समस्या भी ये हो गई है कि वो बहुत ज्यादा रैलियां अगर नहीं होती हैं तो पूरे चुनाव में हरीश रावत काफी बड़ा चेहरा होंगे मुकाबले पुष्पेंद्र सिंह धामी के, जिनको बहुत कम टाइम मिला। तो ये बहुत सारी चीजें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब जगह होगा। समाजवादी पार्टी का जो वर्कर है वो डेडिकेटेड वो है, आप उनको देख रहे होंगे, उनके तमाम चीजें देख रहे होंगे कि वो गांव गांव जाकर, अब आजकल उन लोगों ने कलावा काटने का अभियान शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, इस तरह हाँ। की चीजें हैं। तो ये कह पाना कि बहुत ज्यादा इसका बहुत वो होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, रैलियां वो कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी अपनी बहुत सारी रैलियां कर चुकी है, उसको बहुत ज्यादा इस तरह की, प्रधानमंत्री मुझे लगता है एक के बाद आपने देखा होगा सभी एरिया में जा चुके, उन्होंने पूरा अमित शाह लगभग तमाम तरफ रैली कर चुके, और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हमेशा हर जिले में ही उपस्थित होते हैं, एक एक जिले में दो दो बार भी पहुंच चुके हैं, तो इसलिए उनका कैंपेन हो चुका। समाजवादी पार्टी का कैंपेन चूंकि एक ही स्टार प्रचारक है, उसी को अपने कंधे पर रखना है, वही है, तो वो घूमने की जो कोशिश है वो की गई है, नहीं तो पूरा वोट कास्ट बेसिस पे सबको मैसेज है जिनको दिया जाना है, उनको इस बात से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो अंगोला और रुआंडा के बीच की दोस्ती पर इनका क्या विचार है, उनको सीधा मामला है कि हमारी हमारी जो उस सब पे है। तो मुझे लगता है कि इसका काफी देखना होगा, और कांग्रेस अगर अपने लोगों को दिखाना भी चाहती है तो वो उनको समझ में ही नहीं आएगा, वो उन्होंने उसी दिन जब चुनाव आयोग की कल आप देख रहे थे पीसी दूसरी बीच में फेसबुक पर प्रियंका गांधी तमाम उनके साथ थी अपने, तो जितने लोगों के साथ वो फेसबुक पे जुड़ेंगे उतने वोट भी होंगे, ये तो मुझे संभव नहीं लगता, तो इसलिए वो चाहे कितनी भी कोशिश करें ना करें उसका कोई मतलब नहीं है। और अब इस तरह के संपर्कों से मुझे लगता है कि डिजिटल वाली ताकत जो है जिलों में बहुत अहम रखी जाएगी, वहां बीजेपी थोड़ा लीड उत्तर प्रदेश जैसी जगह में लेगी जरूर। कांग्रेस पर तो, कांग्रेस पर और प्रियंका वाड्रा पर तो बड़े चुटकुले चल रहे हैं। एक एक सुनाइए सर। एक
एक हमारे पुराने मित्र हैं जो पीटीआई के एडिटर भी रहे भाषा के, और जागरण में भी, दैनिक जागरण में भी थे, नेशनल ब्यूरो में, उन दिनों में भी अमर उजाला नेशनल ब्यूरो में था, पार्लियामेंट वगैरह कवर करते थे और साथ में एआईसीसी कवर करते थे। तो उन्होंने एक चुटकुला डाल रखा था कि मैंने एक कांग्रेस के लड़के से पूछा कि लड़ने की तैयारी कर रहे हो क्या, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़ ही नहीं सकता हूँ। ऐसे एक शिक्षक को शुरू करना पड़ेगा जैकेट जयपुर डाल उसको, ऐसे जो पीजे चल रहे हैं ये भी जरूरी है बीच बीच में। मेरा ओमकार सर से एक सवाल है, मेरी बड़े दिन से क्यूरियोसिटी में पूछना चाह रहा था यूपी इलेक्शन के संबंध में। सर ये कौन से मीडिया स्तंभ है जो कांग्रेस को 11% वोट शेयर दे रहे हैं? सर मैं जमीन पे गया हूं सर और मुझे दिखता नहीं है 11%, आखिर वो लोग तो होंगे ना सर कहीं, ये कैसे मिल जा रहा है सर? धीरेन्द्र सर भी बताएंगे इसका जवाब। आप कांग्रेस की कलाकारी नहीं समझते हैं क्या? कांग्रेस के दरबारी मीडिया कर्मियों की बहुत लंबी फहरिस्त अभी भी है, अभी भी मीडिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो बहुत आशा भरी दृष्टि से, उम्मीद भरी दृष्टि से राहुल गांधी में भारत का भविष्य देख रहे हैं। और जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में भारत का भविष्य देख रहे हों, आप उनके स्तर का अंदाजा लगाओ कि उनका अपना स्तर क्या होगा, उनके सोचने समझने का भी, और जो इनकी अब तक की मतलब कार्यशैली है, जो कारनामे हैं दोनों बहन भाइयों के, मतलब इससे ज्यादा मूर्खता की बात मेरी दृष्टि में नहीं हो सकती। मुझे भी 4 दशक से ज्यादा हो गया पत्रकारिता में, मैंने इस तरह का फैसला अभी तक किसी पार्टी की तरफ से नहीं देखा। अगर ये लोग राहुल गांधी को और प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानते हैं, तो उन शीर्ष नेतृत्व को आप किसी राज्य में दांव पर लगा दें, यानी प्रियंका वाड्रा का अभी तो बंद मुट्ठी थी ना, अभी तो लोगों को थोड़ी बहुत गलत फहमी थी उनके बारे में कि शायद राहुल गांधी अगर फेल होते जा रहे हैं तो शायद आगे जाकर के प्रियंका वाड्रा पर हम दांव लगा सकते हैं। लेकिन इस चुनाव ने तो उनको भी निपटा दिया ना एक तरीके से, जो थोड़ा बहुत भ्रम था लोगों का वो खत्म हो जाएगा ना इस चुनाव के बाद। तो बिल्कुल, तो वैसे एक अच्छा कमेंट आया साइड में, दीपक तिवारी जी बोल रहे हैं कि लड़का हूं इटली भाग सकता हूं। भागिए जनाब। मैं 270 पे सर अभी भी टिका हुआ हूँ, मैं वो टाइम देखना चाह रहा हूँ कि पढ़ेगा घटेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी वो आंकड़ा जो है इससे नीचे तो नहीं अभी है। एक्चुअली मैं देख रहा था वो एबीपी न्यूज का जो लेटेस्ट जो आया हुआ है, तो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये अचानक जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी की सीटें घटा कैसी दी। वो धीरे तो धीरे पहुंच रहे हैं। दरअसल एक और चीज हुई है संजय जी, मैं इस दौरान चूंकि मैं भी रोज चेंज कर रहा हूँ, ये बात जरूर दिखाई दी है पिछले कुछ समय से हम लोग गौर कर रहे हैं, चूंकि जिन लोगों ने विरोध की बात थी जो वेस्टर्न यूपी में, चूंकि आप गांव मतलब उसको पत्रकारिता के दौर से नहीं, आपको जनरली आप गांव गवांड में बात करते हैं तो आप पूछते हैं क्या माहौल है। तो पिछली बार जब मैं देख रहा था अभी 1 महीने पहले तक, तो उनको लग रहा था कि नहीं इस बार तो बहुत ही टफ मामला लग रहा है, ये लग रहा है, और उनको रैली दिखने लगी थी बाहर की। अभी मैं जब दोबारा बात कर रहा था, अभी ये मतलब आज की बात नहीं है, पिछले एक हफ्ते की बातें हैं, तो उनको जैसे लग रहा है कि नहीं 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 वापस आ रही है, कोई मतलब ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं, कोई चीज नहीं। ये आम आदमी के उसमें भी आया जो अब फील्ड में जाके दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं गौर कर रही, क्योंकि अभी के कई जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे दिख रहा है, अभी मैं चुनाव प्रचार में देख रहा हूं अलग अलग हर पार्टी ने अपना किया है, दरअसल जो
लॉ एंड ऑर्डर का, वो लड़कियों के छेड़ने वाला, वो गुंडों वाला जो चर्चा का विषय बन रहा कि पहले थाने में कौन बैठते थे, पहले ये सब चीजें प्रचार थी, तो इसकी एक वैल्यू आ रही है जो रिकॉल वैल्यू है, उसने काफी असर किया है और वो चीज की काट अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अखिलेश अभी तक इसकी कोई काट नहीं ढूंढ पाए कि उनके वक्त सिर्फ एक बिरादरी का, उन्होंने कोशिश जरूर की कि ठाकुर बिरादरी को इस बार ऐसा बता दिया जाए कि साहब वो जो है बहुत ही इस समय पूरा उसका दबदबा है सब चीजें, लेकिन वो बहुत सारी चीजें जैसे 6 में से 4 पोस्ट है तो ब्राह्मण है, तमाम चीजें वो सारी चीजें सामने आई। दूसरा एक और आप गौर करेंगे कि योगी एक चीज पर लगातार अटैक कर रहे कि जैसे ही वैकेंसी निकलती थी तो महाभारत का खानदान निकल पड़ता था, चाचा मामा दाऊ दाए सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे, ये सारी चीजों का फर्क पड़ रहा है मुझे ये लगता है, क्योंकि चूंकि जब हम लोग ये देख रहे थे 1-2 महीने पहले तक तो लोगों के जहन में तमाम चीजें थी, महंगाई थी, वो थी, लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव आने लगता है तो वो सब पे गौर करने लगता है और आखिर में आप देखेंगे मुस्लिम्स को ये कहना पड़ रहा है, अगर मैं देख रहा हूँ मुस्लिम वोटर्स को भी जो ये कह रहे हैं कि हाँ बिजली आ रही है, 18 घंटे बिजली आ रही है और राशन मिला है, यानी आपका जो सबसे ज्यादा जिस पे पूरे विपक्ष की ताकत, आप ये गौर कीजिए कि बीजेपी विरोध के लिए अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, यहाँ इसको एक मैं एक उस पर कह रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर बीजेपी विरोध अगर विपक्ष के पास कुछ चीज है तो आप देखेंगे कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, कोई एक भी इशू ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि हाँ ये एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर चलेगा या इस पर चलेगा। उनका सबसे बड़ी ताकत इस पूरे बीजेपी को हटाने के लिए, उनके पास सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोट है, मतलब मुस्लिम विरोध जो है, मुस्लिम को जो बीजेपी से घृणा है या बीजेपी से एक उनका कोई राजनीति या उसका कोई मतलब नहीं, उनको एक नफरत है बस, उनको ये मानना है कि हमको नहीं देना है ज्यादातर से और इसको हटाना है क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करती है, जो भी उसका कारण हो वो उनकी ताकत का आधार है। यानी ताकत का आधार किसी भी सरकारों के खिलाफ आप देखेंगे, एंटी इनकम्बेंसी में महंगाई होगी या कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ इस समय पूरे उत्तर प्रदेश को अगर आप गौर करेंगे तो विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत जिससे वो हटाने का सोच रहा है उसके पास मुस्लिम वोट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बड़ी अलग सी बात है। मुझे भी लगा था कि प्रो इनकम्बेंसी पे, मैंने पिछले भी एपिसोड में जब मैं आया था तो मैंने बोला था कि स्कीम वाली बात जो मैंने बोली थी वो लोगों के दिमाग में है सर, कि हाँ मुझे पानी मिल गया बुंदेलखंड जैसे एरिया में, बहुत बड़ा काम हुआ है सर, ये बहुत बड़ा काम हुआ है, लोग बोल रहे हैं माइक पे कैमरे पे खुल के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं योगी जी ने तो हमें क्या, मुझे मैं कहावत भूल गया वहां के यूपी के टर्म में, एक गांव के किसी आदमी ने बोला था कि घड़ा नहीं टूटना चाहिए कुछ ऐसा करके, कहते हैं गगरी वो चूड़ी टूटे तो टूटे गगरी ना फूटे, हाँ एग्जैक्टली, हो जाए तो हो जाए लेकिन पानी की गगरी नहीं फूट जाए। हाँ तो वहां पे पानी पहुंचा है सर, ये यथार्थ है, बिजली तो आ ही रही है ये भी यथार्थ है, और अब तो बिजली भी सस्ती कर दी योगी जी ने, मतलब आप याद दिलाइए अखिलेश यादव याद दिलाते हैं लैपटॉप बांटे थे, योगी जी कहते हैं ये लो मैंने नोटपैड बांटना चालू कर दिया, और याद दिलाओ क्या बाकी रह गया था। तो ये प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। हाँ बात सही कह रहे हैं, वैसे तो उन्होंने इतने शिलान्यास कर दिए इस बार बीजेपी ने संजय जी, कि वो इतने शिलान्यास कर दिए कि अगर कोई दूसरी सरकार आए तो वो कुछ कह ही नहीं पाएगी। मुझे लगता है योगी जी चलते चलते चांद पे जाने का हम एक समय वो कर रहे हैं, एक चंद्रयान यूपी तैयार करेगा इस पर भी कर देते हैं अगर 2-4 दिन और मिल जाते, अगर 20 साल बाद भी कोई पार्टी करेगी तो हमने तब वो समझ गए कि ये सिर्फ शिलान्यास की जो राजनीति है वो सब चल। अब चलते चलते थोड़ा पंजाब की भी बात कर ले, क्योंकि जी सर जयपुर डायलॉग्स की ओर से हम गोवा और मणिपुर डायरेक्टली कवर नहीं करेंगे, ये हमने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन पंजाब तो करेंगे। तो पंजाब के बारे में भी सबसे पहले मैं ओंकार जी से पूछ लेता हूँ, यद्यपि स्थिति बिल्कुल ही अस्पष्ट है, आपको क्या लग रहा है इस समय? अब तो वहाँ 5 ताकतें हैं सर जो चुनाव लड़ेंगी, पंजाब है तो 5 होनी चाहिए। हाँ पंजाब तो 5 आप किस किस में ये देखना पड़ेगा, 5 तो है आप किस में देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो दिलचस्प है,
कांग्रेस वो है ही, अकाली दल है ही, अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी है ही, किसानों के 22 दल वो तो ताल ठोक करके हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है 5 ऐसे गठबंधन, आम आदमी पार्टी को तो हम भूल नहीं सकते, और आम आदमी पार्टी भले ही हम उनसे डिफर करें, भले ही हम उनको पसंद करें ना करें, लेकिन एक ताकत के रूप में वो पंजाब में उभर आई है। इस बार अगर किसी की संभावना है बहुमत के करीब तक पहुंचने की तो वो आम आदमी पार्टी की ही है। पर देखने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बेस रहा है वहां अभी तक, उसमें ये जो 22 संगठन अब राजनीतिक चोला पहन करके गांव-गांव गली गली घूमने वाले हैं वोट मांगने के लिए, ये आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं या उसकी उम्मीदों पर कितना पानी फेरने वाले हैं। तो दिलचस्प मुकाबला है पंजाब में। बस मेरा तो यही मतलब एक प्रार्थना भी है और कामना भी है कि ये इलेक्शन वहां पर खूनी ना होने पाए। जिस तरह का वातावरण वहां क्रिएट कर दिया गया है, जिस तरह की नफरत का भाव कुछ तत्व वहां फैला रहे हैं, और मुझे लगता था कि पंजाब में भी मणिपुर की तरह 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सोचा कि जब अब तक हम एक ही चरण में कराते आ रहे हैं तो इस बार भी गोवा को, उत्तराखंड को और पंजाब को एक ही तारीख में निपटा दें। उस पर जरूर निगाह रखनी पड़ेगी। पर जैसा लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा का जो गठबंधन है वो एक सरप्राइज दे सकता है लोगों को, मुझे अभी भी नहीं लगता है। हाँ, 5 जनवरी को जो घटना हुई है उसके बाद से पूरे पंजाब में, क्योंकि मेरी भी पंजाब में बात हुई है, मैं चंडीगढ़ में चुकी रहा हूँ, तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वगैरह काफ़ी टूर किए हुए हूँ, और अमर उजाला 99 में मेरे ही इंचार्जशिप में शुरू हुआ था वहाँ से, तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं। तो मेरी वहाँ बात हुई थी तो लोगों का कहना था कि 5 जनवरी की घटना के बाद एक बड़ा बदलाव ये आया है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर जगह चर्चा हो रही है। ये जो चर्चा शुरू हुई है ये मतदान के दिन तक और प्रचार के दौरान और कितना फैलेगी और लोगों को कितना उद्वेलित करेगी वोटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के या कैप्टन साहब के पक्ष में, ये देखना थोड़ा सा अभी समय की बात है। जी धीरेन जी, देखिए पंजाब का चुनाव मतलब लोग, हालांकि हम लोग तमाम मीडिया और तमाम चीजें उस तरफ देख रही हैं उत्तर प्रदेश को 80 सीटों के नजरिए से या सेमीफाइनल के तौर पर या फिर दिल्ली गद्दी तक पहुंचने पर, लेकिन इन 5 स्टेट के चुनाव में हर चुनाव अपनी महत्ता रखता है। लेकिन मुझे लगता है पंजाब का चुनाव इस बार आने वाले जो कुछ दशक हैं देश के उन पे काफी इंपॉर्टेंट असर डालेगा। मतलब ये एक ऐसा चुनाव होगा जिसकी गूंज हमको आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति में सुनाई देगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ अचानक दिखने लगी हैं। अभी तक जिन चीजों को हम सोच रहे थे कि वो सिर्फ कुछ बाहर से दिखाई दे रही हैं या वो हैं, वो सब आपको फील होती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां जो फोर फ्रंट रनर पे हैं वो जो दिख रही थी कि अगर कांग्रेस के अंदर मैं वैसे कांग्रेस के लिए सोच भी रहा था एक दिन, हालांकि मैं सोच रहा था कि उस पर लिखना चाहिए कि कांग्रेस कहां किससे लड़ रही है। जैसे कांग्रेस वहां चन्नी और सिद्धू एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनको समय मिलेगा तो वो किसी तीसरे से लड़ेंगे, रंधावा से लड़ेंगे, सुखदेव से या फिर किसी और से लड़ेंगे, मतलब पार्टी से नहीं, तीसरा कोई पार्टी नहीं है। उत्तराखंड में जब भी उनको मौका मिलेगा हरीश रावत जी को, तब वो भाजपा की तरफ जाएंगे। अभी वो प्रीतम सिंह से लड़ रहे हैं, फिर प्रीतम सिंह वो भी दूसरों से लड़ रहे हैं, जो आने वाले उनसे लड़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में कौन किससे लड़ रहा है यही पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो लड़कियों के साथ लड़ रही हैं कि हम लड़ेंगे इस तरह से। तो कांग्रेस बड़ी विचित्र है। तो वहां जनता अगर बीजेपी कांग्रेस को लाना भी चाहती थी पंजाब में, तो वो चंडीगढ़ में भी सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिले। मतलब कांग्रेस को सीट भले ही 8 मिली, लेकिन उनको उस चुनाव में भी वोट ज्यादा मिला। और उनका अभी भी ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं दिख रही थी जब तक कि कप्तान नवजोत सिंह सिद्धू को ना बना दिया जाए, जो अपने बॉलिंग के टर्न में दूसरी टीम के बॉलर उससे कह रहे बैट्समैन से तू बॉलिंग कर हमको, तो वो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा ये अभी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि जो इस पर मैं बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ, मुतमईन हूँ कि वो जो किसानों का मोर्चा लड़ रहा है वो 117 सीटों पर लड़ेगा, तो वो 117 की 17 पर जमानत जब्त कराएगा। मतलब ये मेरा विश्वास है, मतलब अगर बच जाए या एक दो जीत जाए तो वो अपवाद होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो हजारों में भी वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके आइडियाज और जो वहां का भी का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो भी एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जो घूम फिर के, और बीजेपी कोई बड़ी ताकत नहीं है, हो सकता है लोग कुछ भी राय रखें, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह आना वो आना और उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। वो वैसे ही वहां इंडिपेंडेंट कुछ नहीं थे और आप उनके मनोबल को तोड़ रहे हो। आपने किसी डीजीपी को आप वैसे ही हटाया जाना था, वो तो आप सोच रहे हो कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया या कोई इस तरह का, जो एक छवि और होनी चाहिए थी। तो वो जो वोटर है बीजेपी का वो और डर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई बहुत चमत्कारिक ऐलान कर देगी या अमरिंदर सिंह उसमें जो है पटियाला से बाहर निकलकर कोई चमत्कार कर देंगे, वो नहीं लगता। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से धर्म की राजनीति की शरण में और जिस को उभार रहा है, और उसमें बड़ा हिस्सा मुझे लगता है शिरोमणि अकाली दल, हम लोग उसको चाहे अभी फील ना करें, क्योंकि हर बड़ी याद कीजिए आप, चाहे वो किसी भी तरह की पंजाब के धार्मिक उभार की घटना हो, उसका फायदा हमेशा शिरोमणि अकाली दल ने शुरू में जरूर उठाया। उसके दल पंथिक दल और तमाम पार्टियां उसमें घुस जाती हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो और बसपा का क्या वो वाकई तीसरी ताकत बनता है, नहीं बीजेपी वहां कोई ताकत अभी नहीं दिख रही है। और प्रधानमंत्री की इस वापसी से और एक तंजिया बयान कस देने से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को वहां कोई ताकत मिली होगी, बल्कि जो रहा सहा होगा बीजेपी का वोटर वो भी उठ के भाग गया होगा, क्योंकि वो कोई भी ऐसे आदमी को, और खासतौर से पंजाब की राजनीति मुझे लगता है कि आप जब इतिहास का सर इतने एनालाइज करते हैं तो आप ये जानते होंगे, वहां उसी ने राज किया पंजाब में जो अपनी शक्ति को, जो शक्ति को एस्टेब्लिश करता है, वहां पंजाब की राजनीति बिल्कुल उसी तरह से चलती है, चाहे वो अफगानों ने की हो, चाहे वो सिखों ने की हो, चाहे उससे पहले के समय की हो, वहां ताकत को बहुत मान्यता देते हैं कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, हाँ मैं तुझे पटक सकता हूँ अच्छे से। तो इस पर वो सामने वाले को संतुष्टि हो जाती है कि हाँ मैंने अच्छे आदमी को ताकत दी है, ये मुझे पटक सकता है। तो उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी अभी वहां किसी को पटकने की स्थिति में नहीं है। तो वो लेकिन चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसका असर इस देश पर पड़ेगा 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 आने वाले समय जी। अब अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं आप? पहली चीज तो ये है पंजाब इलेक्शन को लेकर के, राघव चड्ढा को जिस तरह से पीटा गया है, और ये कल बहुत बड़ी चीज हुई है, इसने आम आदमी पार्टी का जो एक एज था और जो जो, जो जिस प्रकार से ड्राइविंग सीट पे थी, ये बहुत डेंट करने वाला है। कांग्रेस आपस में लड़ जरूर सकती है, लेकिन पूरे पंजाब में, क्योंकि मेरे पंजाब के कई मित्र है और रेगुलरली मैं उनसे बात करता रहता हूँ, और इवन ठीक ठाक मेरे मित्रों की संख्या, उन्होंने कहा कि तमाम चीजों के बावजूद फाइट अकाली और कांग्रेस में ही है। ये एक हाइप भले क्रिएट कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी अब उस पोजीशन पर नहीं है जहां से वो जीत पाएगी। हाँ, ये किसान संगठन किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं जो चुनाव लड़के, ये आम आदमी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था 2017 के समय भी आम आदमी पार्टी को लेकर के खूब मीडिया का प्रपंच हुआ, लेकिन फाइनली जब सीटों की बात आई तो उससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी अकाली। मुझे लगता है कि अकाली और बसपा का बहुत एक नैसर्गिक अच्छा संगठन हुआ है, गठबंधन हुआ है, क्योंकि बसपा का वोट वहां भी उसी प्रकार से है, भले आप उसको 2% ही मानिए, लेकिन वो 2% फिक्स वोट है जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है आ जाए कांग्रेस। इसी पॉइंट पे अब हम चलते हैं प्रश्नों पर।
पहले मैं सभी से अनुरोध कर लूँ कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको आप हमें सब्सक्राइब भी करें, साथ में आप हमें सपोर्ट और फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं। नीरज शर्मा धौलाना वाली सीट पे असलम 3,500 वोट से जीता था क्योंकि दो ठाकुर आमने सामने खड़े होने से वोट बटे थे और असलम जीता। इस बार बीजेपी निकाल देगी सीट। सही जवाब है, मुझे भी लगता है कि धौलाना वाले सीट इस बार निकल जाएगी। धौलाना सिसोदियाओं की सीट है, बहुत बड़ी वोट है, 60-84 की एक बड़ी सीट है। वहां असलम पिछली बार कैसे जीता था यही हास्य था। हालांकि इस बार देखते हैं टिकट, फिर मैंने कहा कि टिकट को होगा, असलम तो नहीं जीतेगा, लेकिन इस बार असलम को शायद वो टिकट भी नहीं मिलेगा, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। हाँ, वो तो उसने डासना में बड़े कांड किए थे ना। हाँ, नेक्स्ट। अखिल जय हिंद ओंकार सर, क्या पंजाब इलेक्शन का इम्पैक्ट हिमाचल में भी होगा, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी की सिचुएशन काफ़ी पुअर है इस वक्त। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जहां 5 साल में सरकारें बदलती बदलती रही हैं, और हिमाचल प्रदेश में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम लीडरशिप नहीं, और जो मुख्यमंत्री हैं शायद वो उतने सक्रिय नहीं हैं या लोगों के बीच में उतने लोकप्रिय नहीं हैं जितना होना चाहिए, और वहां से भारतीय जी को बना देना चाहिए वहां पे मुख्यमंत्री जी, नड्डा जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। वही बात मैं कह रहा था कि नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, इसके बावजूद अगर उपचुनाव में आप बहुत बड़े मार्जिन से जीती गई लोकसभा सीट को भी गंवा देते हैं, 3 विधानसभा सीटों को भी आप गंवा देते हैं, तो ये कोई शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। तो पंजाब का नतीजा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इस पर डिपेंड नहीं करता है हिमाचल। हिमाचल तो इंडिपेंडेंटली ही अपना फैसला कर लेता है कि किसको रखना है और किसको हटा देना है। अगर भारतीय जनता पार्टी नींद से नहीं जागी तो हिमाचल भी हाथ से जाएगा। जैसे कि उत्तराखंड में स्थिति बनी हुई है और उत्तराखंड फाइट जबरदस्त चल रहा है। नेक्स्ट। इसी के साथ ये प्रश्न काल समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को धन्यवाद, अभिषेक जी को धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय मातरम, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.